किसी का बेटा मास्टर है, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर भी, किसी का बेटा कंपनी में मालिक भी। लेकिन इत्मीनान से बोलना, जितना सुकून से पंचर बनाने वाला जीता है, क्या उतना सुकून से उनके घर में भी कोई बरकतें मिलती हैं क्या? ये सरकारे सुर का ही कमीशन है। तवज्जो चाहो, जो मुंह नबी का सलाम पढ़े, जो मुंह नबी का सलाम पढ़े, उसके होठों तक कभी शराब ना जाए। ये सरकारे सुर का ही कमीशन है। एक है मुल्क और एक है मिशन। मुल्क में जमीन हो, मिशन ना हो, आबादी हो, मिशन ना हो, कोयला हो, मिशन ना हो, तांबा हो, मिशन ना हो, चांदी हो, मिशन ना हो, पेट्रोल हो, मिशन ना हो, नकदी हो, मिशन ना हो, अच्छी मिट्टी हो, मिशन ना हो, एजुकेशन हो, मिशन ना हो, सहाफत हो, मिशन ना हो, मुहक्किकीन हो, मिशन ना हो, कबूल। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। आगे से लेकर पीछे तक वाले एक बार या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। सब हो मिशन ना हो तो जमीन किसी काम की नहीं, आसमान किसी मसरफ का नहीं, समंदर किसी इस्तेमाल का नहीं, कोयला जमीन के सीने में रह जाए, हीरा मंडी में ना आ सके, तांबा बर्तन न बना सके, सोना गले में न उतर सके, चांदी महल में न लग सके, अगर मिशन न हो तो। और अगर मिशन हो तो हर चीज का इस्तेमाल। जोर से बोल या जोर से, जोर से, जोर से। अब बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता, अकीदे अहले सुन्नत मुल्क है, अकीदे अहले सुन्नत मुल्क है। इस मुल्क के असासा और पूजी और अमानत का नाम मुल्क है, मसलके आला हजरत है। और इस अकीदे अहले सुन्नत के मुल्क के मिशन का नाम दाता तेगे अली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, नारे जान सरकारे सुरकाही, सबसे महबूबुल औलिया। अब जहन को थोड़ा सा यही करीब कर लीजिए, करीब कर लीजिए। अजमत नबी की, नूर नबी का, रिफात मुस्तफा की, रिफात मुस्तफा की, वकार खाने काबा का, तकद्दुस गुम्बदे खजरा की, हुरमत नबी की शरीयत की, हुरमत नबी की शरीयत की, हुरमत। बोलोगे तो बोलोगे, धक्का ना देना पड़े, खुद ही बोल लो, बोल लो। हुरमत नबी की शरीयत की, एहतराम कुरान का, फर्जियत नमाज की, फर्जियत नमाज की, फर्जियत नमाज की, ये सब है, ये सब है, ये सब है। किसके यहां, किसके यहां, किस मुल्क में, किस मुल्क में? अकीदा। अकीदे अहले सुन्नत मुल्क है,
तो नबी की हुरमत अहले सुन्नत में, मुस्तफा की रिफात मसलके आला हजरत, नबी का नूर होना इमाम अहमद इमामे इसको मोहब्बत के आला, वलियों से मोहब्बत मसलके आला हजरत, गरीब नवाज की इज्जत मसलके आला हजरत में, मखदूमे सिमना की इज्जत और बरकत मसलके आला। जहन को करीब करना, जहन को करीब करना। आप अपना घर बनाते हो, अपना घर बनाते हो तो अपनी दो पुश्त को सामने रख कर बनाते हो, यानी दादा बनाता है पोता तक के लिए, एक अपने लिए, एक बेटा के लिए, एक पोता के लिए। यानी पोते से कम का टारगेट नहीं होता मकान छोटा बने कि बड़ा बने, मकान छोटा बने कि बड़ा बने, लेकिन जब मुल्क बनाने का मिशन होता है, जब मुल्क बनाने का मिशन होता है तो पोते तक का मसला नहीं रहता बल्कि कयामत तक का मसला हुआ करता है। तवज्जो चाहो, कब बोलोगे यार, बोल दो, बोल दो। कयामत तक का मसला होता है, कयामत तक का मसला होता है। अब सरकारे सुरकाही ने मिशन ले लिया, मुल्क नहीं, मिशन ले लिया। सरकारे सुरकाही मुल्क नहीं लिया, मिशन ले लिया। सरकारे सुरकाही ने मुल्क नहीं लिया, कब बोलोगे यार, जोर से बोल ना। सरकारे सुरकाही ने मुल्क नहीं लिया, मिशन ले लिया। गांव में मेरे मुस्तफा की मिलाद बंद ना हो, ये तेगे अली की मिशन है। मस्जिद बगैर या नबी सलाम अलैक के ना रहे, ये सरकारे सुरकाही का मिशन है। गौसे आजम की 11वीं की खैरात हर दरवाजे पे लुटाई जाए, ये सरकारे सुरकाही का मिशन है। तवज्जो चाहो, जो मुंह नबी का सलाम पढ़े, जो मुंह नबी का सलाम पढ़े उसके होठों तक कभी शराब ना जाए, ये सरकारे सुरकाही का मिशन है। तवज्जो चाहो, अब बलिया भी अर्ज करता, मिशन खड़ा करने के लिए दौलत भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तिजोरी भी चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए, कारखाने भी चाहिए, लेकिन गौसे आजम की बारगाह से सरकारे सुरकाही को वो खैरात मिल गई, एक तेगे अली, अरे जिस पर जमाना सवार होकर चलेगा, जिस पर जमाना सवार होकर चलेगा उसके पंचर की चाबी तेरे अकीदत मंदों को दी। बोल दो। अब जरा सा जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए, बिल्कुल अपनी आंख को खोल लेना और अपने पास पड़ोस को देखना। किसी का बेटा मास्टर है, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर भी, किसी का बेटा कंपनी में मालिक भी, लेकिन इत्मीनान से बोलना, जितना सुकून से पंचर बनाने वाला जीता है, क्या उतना सुकून से उनके घर में भी कोई बरकतें मिलती हैं क्या? बोल यार। अब अगर किसी के अक्ल पर ताला हो तो खोल दे, इशारे की जबान समझ लीजिए, किसी की अक्ल पर ताला हो तो खोल ले। सरकारे सुरकाही पर भरोसा कायम हो, मदनी ताजदार पर एतमाद बहाल हो और आखिरत पर ईमान हो,
अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह मालिक भी है। मौत और जिंदगी उसके कब्जे में है। जिस मिशन वाले ने ये पढ़ा दिया है, उसने अपने जिले का इंतखाब नहीं किया। भारत का शहर कोई भी हो, कोई मिले ना मिले, तेरी जरूर मिले। कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? नारे जोर से, जोर से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। तब बलिया भी कहता है, बेवकूफो जंगल से बाहर निकलो, बेवकूफो जंगल से बाहर निकलो। जब मुस्तफा का आशिक, तेरे अली का गुलाम, जब किसी के रोके नहीं रुक सकता, तो मौला अली का गुलाम कहां से रुके? एक नारा और बढ़ा दीजिए आप लोग। इन साल से हमने अदारे शरिया के रबीउल नूर के जुलूस में शुरू कर दिया है। पूरे मुल्क के अहले सुन्नत के हर जलसों में लगना चाहिए। जश्न आमदे सरकार भी कायम करें, नमाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं लगाऊंगा जश्न आमदे सरकार भी, तो आप क्या कहेंगे? जश्न आमदे सरकार भी कायम करे नमाज भी, जश्न आमदे सरकार भी कायम करे नमाज भी, जश्न आमदे सरकार भी कायम करे नमाज भी। इसलिए कि नबी का जश्न मनाने का उनको कोई हक नहीं पहुंचता है जो नबी की जो नमाज न कायम करता। जिस तरह दुरूद सबको पढ़ने का हक रब ने नहीं दिया, दुरूद पढ़ने का राइट रब ने सबको नहीं दी, रोटी खाने की राइट सबको, पानी पीने का हक सबको। काश मेरे मूड का होता तो आज मैं गुफ्तगू कर देता। ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों, इंसानी कदरों की बात करने वालों, अक्वामे मुत्तहिदा और यूएनओ में बैठकर इंसानियत के गला घोटने के नक्शे तुम बनाते हो, इसलिए कि इंसानियत को कत्ल का मंसूबा और मंशूर तेरे एजेंडे में है, तेरे एजेंडे में है। अलामत यहूदियत, पहचान नसरानियत, मजहब कुफ। लेकिन मेरे नबी के यहां जोर से पानी बंद करना नबी वालों का काम नहीं है, पानी बंद करना मुस्तफा वालों के यहां नहीं है। और ये मिशन है इस्लाम का, ये मिशन है इस्लाम का। जो पानी बंद किया, जो पानी बंद किया, वो कर्बला में सिमट गया। और जो प्यासे रहकर रब को राजी कर लिया, उसके नाम पर कयामत तक पानी पिलाएगा। बस जहन थोड़ी देर, बस। तो ह्यूमन राइट्स की जो गला फाड़ फाड़ के लोग भाषण देते, मेरे रब ने जो सेटअप और सिस्टम दिया है अपने महबूब की शरीयत में,
इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की कदरों की का एहतराम कौन किया है जिस पैगंबर ने ये हुक्म दिया गुलामों को कि तेरे पड़ोस में कोई भूखा ना सोने पावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है ह्यूमन राइट्स। तुम्हारे पड़ोस में कोई दुखी न रहने पावे। अमा हम तो ये कि लोग जंग में कैदियों को कत्ल कर देते, लेकिन ये मेरे मुस्तफा ह्यूमन राइट्स की बुनियाद डाल दी उसी दिन जब कैदियों के बंधे हुए हाथ और उस दर से कराहते हुए कैदियों की आवाज जब निकली है तो अकाई रहमत फरमाते हो उमर रस्सियां ढीली कर दो, तेरे रसूल को इंसानों की कराहे बर्दाश्त नहीं हो। ये है ह्यूमन राइट्स। यहां है ह्यूमन राइट्स, यहां है मानवता का अधिकार, यहां है इंसानी आजादी। लेकिन अफसोस, अफसोस जिसने सबका हक मारा हो वो हमको ज्ञान देता है कि मुसलमान बेटियों को हक नहीं देता। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो हमको ज्ञान देता। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। ओके जी। अरे बोलो ना जी। और कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं करता कि तुम फला धर्म में नहीं फला धर्म में, जिस तरह मर्जी आपकी, लाल कुर्ता पहनो, पीला गमछा रखो, हरा हरी टोपी पहनो, नीली पगड़ी बांधो, चाहो तो चिकन खाओ, चाहो तो मटन खाओ, चाहो तो सत्तू खाओ, चाहो तो खिचड़ी खाओ, चाहे हो तो चना खाओ, यही है ना जी, जी। अरे बोलो ना जी। तो जहां विभिन्नता है उसी में एकता है। विभिन्नताओं में एकता वाले देश का नाम भारत है। अनेकता में एकता वाले भूमि का नाम भारत है। राजस्थान जाओ तो पहनावा भी अलग, पगड़ी भी अलग। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो। आसाम जाओ पहनावा भी अलग, भाषा भी अलग। बंगाल जाओ बोली भी अलग, खाने का मॉडल भी अलग। लेकिन मेरा देश भी वाकई विश्व गुरु है भाई। उड़ीसा और बंगाल आज तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा। उड़ीसा कहता है रसगुल्ला मेरा है, तो बंगाल कहता है नहीं बाबा तेरा नहीं मेरा है। वाह, केस चल रहा रसगुल्ला का, रियली केस चल रहा। नहीं वो रसगुल्ला पर दावा ठोकते, जिलेबी तो भारत की मिठाई है। यानी प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक 26 जनवरी 15 अगस्त को जिलेबी खाता है। गांव हो कि शहर हो, किसी भी जगह झंडा फहराया जाता तो लड्डू बांटते, आपने किसी को नहीं देखा जिलेबी। तो ये शुद्ध भारत की मिठाई है। अब ये पता नहीं रसगुल्ला कहां से दाखिल हो। ओरिजिनल माल तो गुड़ था, तो अंग्रेजों ने चीनी ठेल कर गुड़ को समाप्त कर दिया। बोलो सही है कि गलत? सही है, एकदम सही है। से बोलो ना। पहले दो ही दिखाई देते थे, या तो धोपी धोती वाला या तो टोपी वाला, यही है ना। अरे बोलो ना।
लेकिन ये भी देखने की चीज है या मंडी में टोपी कितनी है, धोती कितनी। ढेरे कंपनी वाले धोती बनाना ही बंद कर, इसलिए कि एफडीआई वालों ने कम पैसे में फुल पॉइंट इतना सप्लाई कर दिया कि जवान तो जवान बूढ़ा भी सोचता है यार कहां 15 पेच मारोगे, इनके गांठ में काम। बोलो सही है कि गलत है। लेकिन हमें तो आप पर गुस्सा भी आता, हंसी भी आती, क्यों झूठ बोलते यार कि शैतान बहका दिया तो हम बर्बाद हो गए। शैतान की इतनी औकात जो मुसलमान को पटकनी दे दे। हमारे काजी साहब के आता है तो बोलता हजरत क्या बतावें, मैं पी लिया था और इतना नशे में था कि मुझको याद ही नहीं कि बीवी को कितनी बार तलाक दिया। मेरा दोस्त वैसे बता रहा था कि 250-300 मर्तबा तलाक तलाक बोले। कोई रास्ता निकाली, यानी सब तोप का गोला छोड़ दिया, आप कह रहा रास्ता निकाली। जहन को करीब करो, कोई खान साहब होंगे तो माफ करेंगे। महबूब गौहर साहब आप तो खानी साहब है ना, शेख है। अच्छा मौलाना लोगों में भी बिरादरी चलती है। इस लानत की दीवार को जिस दिन आलिम तोड़ देगा ना, उस दिन किसी कुकुर मुत्ते की औकात नहीं जो मेरी यूनिटी को बिरादरी के नाम पर तोड़ सके। अच्छा इतने बड़े मजमे में एक ही आदमी काम का है, आप देख लो सबक ले लो। तुम्हारे जब जिस्म का हर हिस्सा सही है, लेकिन अल्लाह ने नारा के लिए तुमको मुंतखब नहीं किया, उनको मुंतखब किया। तो मैं क्या कह रहा था दिलकेश भाई खान साहब होंगे तो माफ करेंगे। खान साहब बेचारे कहीं से सुबह सुबह आ रहे तो देखे कि गांव के बाहर शैतान आराम से चादर तान के सो रहा। बस 5-7 उम्मीदें, 2 बज गया। मजार के बगल में जगह खाली है क्या? इनका क्या होगा, इटके देंगे? तो गुस्सा नहीं है तो मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। तो खान साहब ने देखा शैतान बड़ी मस्ती में लेटा हुआ है चादर तान के, तो खान साहब बोले कि अरे तुम और यहां मस्जिद के दरवाजे नहीं गए क्या? बोला नहीं नहीं सब निपट गया है। रिलैक्स मूड में हूं, सब निपट गया। तो खान साहब भी लाठी लेके बैठ गए, मूंछ पर हाथ फेरते हुए बोले आज क्या क्या किया? बोला 2 भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी, दोनों की बीवी को एक एक खुराक दबा दिया, दोनों भाई आपस में इतना लड़ा कि एक दूसरे का सर हाथ फाड़ दिया। बोला दूसरा काम? बोले एक तो बच्चा मदरसा जा रहा था बड़ा तेज, तो एक लफुआ के पीछे उसको लगा दिया, वो उसके साथ चला गया मदरसा छोड़ दिया।
बड़ा तीसरा का किया। ब्लॉर तो ज्यादा कुछ नहीं था, हसद की पुड़िया थी मेरी पॉकेट में। किस चीज की? हसद, जलन की, हसद की। 10-12 मौलाना थे, उन्हीं लोगों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया। तो खान साहब बोले उसका असर क्या हुआ? बोला कोई एक दूसरा मौलाना एक दूसरे से इल्मी डिबेट और बहस नहीं कर रहा, एक दूसरे का खतियान लेके बैठ गया। तब देखा शैतान की खान साहब थोड़ा सट के बात कर रहा। तो शैतान बोला खान साहब मेरे पास 3 एकड़ खेत थे, लोगे? पठान तो पठान। बोला दे दो। शैतान बोला कि रजिस्ट्री नहीं करूंगा, अधिया पर बटैया। कहा हाँ हाँ वही दूंगा, दे दो। कहा ले लो। तो खान साहब ने कहा देख तेरा खेत लेने से पहले एग्रीमेंट, फसल तैयार होगी तो तू ऊपर करेगा कि नीचे करेगा? तो सब जानते हैं कि माल पानी तो ऊपर ही आता है। शैतान बोला ऊपर का। खान साहब बोले नो प्रॉब्लम, ऊपर का सब माल ले लेना। आराम से आलू बो दिया। जब आलू तैयार हो गए तो खान साहब ने कहा भैया ऊपर का काट ले। अब शैतान सर पटक पटक के कह रहा कि हम रोज सबको पटकनियां देते थे तो हमसे 3 हाथ आगे निकल गए। एक फसल हो गई, एक ही साल का मामला है। खान साहब ने कहा अब बोल ऊपर का लेगा कि नीचे का? शैतान बोला एक मर्तबा तो पठान तू मुझको टूपी पहना चुका, अब नहीं, अब मैं नीचे कर लूंगा। खान साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम नीचे ही कर ले। आराम से खान साहब ने गेहूं की बुनाई की, ऊपर की बारी काट लिया। कहा कि जा बकरी अपना निपटते रह थ्रेसर में। अब खान साहब ने भी देखा कि अब तो तीसरा ही, अब इसके बाद ना मैं लूंगा ना ये देगा। खान साहब ने कहा बोल अब ऊपर का लेगा कि नीचे का? शैतान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया माफ करना 2 मर्तबा पटके हो, इस मर्तबा नहीं पटकाऊंगा। खान साहब बोले फिर? बोला इस मर्तबा ऊपर नीचे दोनों लूंगा। खान साहब ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे दोनों रख। आराम से मकई बो दे। वाह मजा आ गया। अरे शर्म करो, डूब मरो। खुराफात करो तुम, इल्जाम डालो शैतान पे, उसकी क्या औकात जहां ईमान वाला बस जाए वो दाखिल हो जाए। अलीगढ़ का ताला गारंटर नहीं हो सकता तिजोरियों का, आयतुल कुर्सी गारंटी है तेरे माल की हिफाजत। लेकिन जिस कौम की औलादों को जनाजे की दुआ याद हो उसे आयतुल कुर्सी की बात कर रहे। जो कौम चादर लेके नारा लगाती है सिर्फ दाता तेरे अली का, और कह दो बेटा जरा खड़ा होकर फातिहा कैसे पढ़ा जाता पढ़ के दिखा दो, भाग जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा
अकीदे अहले सुन्नत मुल्क है। सरकारे सुरकाही का सिलसिले तेरिया उस मुल्क के तहफ्फुज का मिशन है। मेरे घरों से नबी की मीलाद न दूर होने पावे, मेरे बच्चों के दिलों से कभी भी नबी का एहतराम न रुखसत होने पावे। हम जिस हाल में रहें, फटा लिबास है रहा करे, घर में नमक रोटी नहीं पाका हो रहा करे, दिलों में दर्द हो रहा करे, लेकिन 30 गुंबदे खजरा की जुदाई का हर वक्त रहना चाहिए। अगर ये आपके वजूद में बाकी है तो आप कादरी भी हो, तेगी भी हो, रजबी भी हो, अशरफी भी हो, चिश्ती भी हो, बरकाती भी हो, हसनी भी हो, हुसैनी भी हो, अबुदुलाई भी हो, फिरदौसी भी हो, यासीनी भी हो, नवाजी भी हो, यूसुफी भी हो। और अगर ये नहीं है तो बनाते रहो टाइल्स और मार्बल का मकान, खरीदते रहो बरकत की ताबीज। माफ करना, एसी लगाने के बाद भी पसीना तेरे बदन से नहीं दूर होगा। और कुछ रहे न रहे, ईमान महफूज रहे, अकीदा सलामत रहे, बुजुर्गों से रिश्ता ना टूटने पावे, अगर इसको बचा के रख लिया तो तेरे पास कुछ रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। मुस्तफा का इश्क तो सलामत है। आजकल महबूब साहब लोग अमीर और गरीब का दो पैमाना बना रखे, दो खाना, दो टेबल। जिसके दरवाजे गाड़ी है ये अमीर है, जिसके दरवाजे पर, जिसके बहुत बढ़िया मकान है वो अमीर है, जिसके बच्चे सुबह से शाम तक 2-4 हजार उड़ा दे वो अमीर है, जिसका कपड़ा फटा हो वो गरीब है, जिसके बदन पर लिबास ना हो वो गरीब है, जो प्लास्टिक की चप्पल पहन के चल रहा वो गरीब है, जो पैदल घूम रहा वो गरीब है। झूठी बात। ईमान वालों के यहां पैसा और दौलत अमीरी गरीबी का मेयार नहीं है। अगले के पास सब है लेकिन नबी से दूरी है। सब है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, मकान भी है, दौलत भी है, सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन रसूलुल्लाह से दूर है तो जमीन पर उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। और अगले के पास महल नहीं, छप्पर है, चप्पल नहीं, नंगे पैर, रोटी नहीं, फाका है, लेकिन उसके दिल में मेरे रसूल हैं तो धरती पर उससे बड़ा कोई माई का लाल मालदार भी नहीं। और यही मिशन था हजरत सूफी शाह यासीन गुलाम यासीन यूसुफी अलैहि रहमा का। मैं जब आया तो मुझको बताया लोगों ने, हमारे सूफी साहब, जब कटनी में गया था बहुत पहले, 18-20 साल पहले थे, तब आप सोच सकते हैं कहां वैशाली का महुआ अनुमंडल, कहां मध्य प्रदेश का कटनी, वारे सरकारे सुरकाए। ऐसा सामान दिया कि जीएसटी का कोई लफड़े नहीं। जीएसटी भरने के कोई लफड़ा नहीं। अरे 4 हथौड़ी 2 चाकू, छोटा सा नहीं,
एक टंकी, 20 हाथ पाई, बड़का साहब की गाड़ी पंचर खड़े हैं, देख रहे हैं छप्पर की तरफ, निकले तो काम चले। जहन को करीब करो, मायूस मत हो। एक है ब्यूटिलिटी, एक है क्वालिटी। काशी गुफ्तगू में कहीं और कर दी, जोर से बोल दो और जोर से बोल। एक है ब्यूटिलिटी, एक है क्वालिटी, एक है यूटिलिटी। जिसको यूटिलाइजेशन इस्तेमाल कहते हैं। ब्यूटिलिटी, क्वालिटी, यूटिलिटी। आदमी बहुत खूबसूरत हो और उसको कहिए कि चलिए जहाज उड़ाइए, उड़ा लेगा? अरे बोलो ना, नहीं। जोर से बोलो, खूबसूरत है, उड़ा क्यों नहीं ले? तो जवाब देंगे कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं, ब्यूटिलिटी से मसले का हल नहीं है, क्वालिटी से मसले का हल है। जोर से, जोर से। उसके बाद यूटिलिटी, इसका इस्तेमाल क्या है? बात दूर तक जाएगी, बस दो ही जुमले पर घेर के गुफ्तगू समेट दो। ब्यूटिलिटी के चक्कर में मत पड़ो, क्वालिटी के चक्कर में पड़ो। आईना देखते रहने से तुम खूबसूरत नहीं बन जाओगे, मुस्तफा की शरीयत देखते रहोगे कभी बदसूरत नहीं बन पाओगे। और अगर ये क्वालिटी तुझ में आ गई तो मुल्क चाहे जो हो, जमीन चाहे जिसकी हो, हुक्मरा चाहे जहां का हो, क्वालिटी की बुनियाद पर, क्वालिटी की बुनियाद पर जो घर तुम्हारा कभी नहीं था, तुम्हारे चेहरे पर सजी दाढ़ी, ईमानी सूरत, इस्लामी शक्ल और मुस्तफा के गुलामों की आदत, जमाना देखेगा तो यही कहेगा, वैशाली में पैदा हुआ तो क्या हुआ, कोई गम नहीं, हम भी आप ही के हैं, इसलिए कि हमारा भी खुदा खुदा है, आपका भी खुदा खुदा है, मेरा भी नबी नबी है, आपका भी नबी वही है, मेरा भी अकीदा अहमद रजा का है, आपका भी अकीदा अहमद रजा का है, आपका भी मिशन दाता तेरे अली का है, मेरा भी मिशन दाता। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाई। इसलिए जो खानकाहों में जिक्र की महफिल कराई जाती है, अब तो पता नहीं होता भी नहीं कि नहीं होता, बहुत कम हो गया, अब तो मेले के नजर हो गया ना, उर्स की तो रूह निकाल दिया लोगों ने। सूफी साहब, हम आपसे इल्तिजा करें, अगले साल उर्स हो तो वहां से डंडा मार के कोई कोई उला झूला इधर लाने, अपौरान तरतीब दीजिए तो सीधा उसमें लिख दीजिए कि आओगे और लंगर खा के जाओगे, ये काम नहीं चलेगा। आए हो तो वजू करो, आइए कुर्सियां उर्सियां अगले साल सब हटाइए, जमीन पर दरी बिछवाइए और कम से कम मगरिब से लेकर इशा तक किसी जमीन पर मुरीदीन हो, मुतकिदीन हो, मुतवस्सिलीन हो, कोई आओ चलो बैठो, यही बैठ कर जिक्र अल्लाह किया जाए। शजरे के एतबार से पहले जिक्र हो और जब हक अल्लाह इल्लल्लाह की चोट लगती है दिल पर ना, तो ये कालापन दूर होता है, निखार आने लगती है
और जब निखार आती है तो चमक खुद ब खुद पैदा होती, ताकि जब यहां से वापस जाए तो इस बात का ख्याल रहे कि हम गए थे उर्स में सूफी गुलाम यासीन शाह तेरी की, वहां लंगर बाद में खाने को मिला था, जिक्र पहले करना पड़ा था। खानकाही मरासिम और खानकाही रवायात को बाकी रखेंगे तो हमारी नस्लें बाकी रहेंगी। अगर हम इसे पामाल करके सिर्फ चादर उर्स और जुलूस में रह जाएंगे तो हम अपने बच्चों को बहुत दिनों तक, बहुत लंबी उम्र तक अकीदे अहले सुन्नत पर कायम नहीं रख पाएंगे। तकरीर सुनाकर सुन्नी बनाना ये कमाल नहीं, अकीदे की लज्जत चखा कर सुन्नी बनाना ये कमाल। अल्लाह तबारक व ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। कल सुबह 9 बजे से दारी शरिया की मीटिंग है, फिर 12 बजे से कुछ लोग और आ रहे हैं, फिर 4 बजे कुछ और काम करना है। इसलिए मैं आप तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इल्तिजा और गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बुजुर्गों की निशान से नीचे उतरेंगे तो आपकी निशानी नहीं बचेगी, और इस निशान को पकड़ कर चलते रहेंगे तो आपकी निशानी कभी दागदार नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको अदारे शरिया की तहरीके बेदारी आपने महुआ में की, एक तारीख लिखी गई और उसके पूरे असरात पूरे मुल्क में उसके असरात देखे गए, और अल्हम्दुलिल्लाह 11 नवंबर से फिर इस तहरीक का आगाज हो रहा है। सुभान अल्लाह, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से, और जोर से। समस्तीपुर में भी मीटिंग हो चुकी है, दरभंगा में प्रखंड वाइज मीटिंग चल रही है, मधुबनी में काम फाइनल पोजीशन पर है, गोपालगंज में 2 मीटिंग हो चुकी है, कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, औरंगाबाद में पूरी कमेटी बना करके लिस्ट आ चुकी है, मुजफ्फरपुर की तैयारी शुरू हो चुकी है, सीतामढ़ी में 2 मीटिंग हो चुकी है, अल्लाह तौफीक दे वहां के लोगों को, क्योंकि इस वक्त हर आदमी को अपना काम सबको याद है, जमात के लिए कौन जीने की बात सोचता है वो बेवकूफ लोग हुआ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पैसा सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे जोर से बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको भी चाहिए, दिलकर साहब को भी चाहिए, मुफ्ती साहब को भी चाहिए, इसलिए कि इसकी जरूरत सबको है कि नहीं है। महबूब साहब बलियाबी से ज्यादा खर्चा किसके पास है? अल्लाह का शुक्र है मेरे मुफ्ती आजम की ऐसी अता है कि हर वक्त मेरे सरकारों की अता से 5-10 लोग पढ़ते हैं, ये मेरे रब की अता है, बुजुर्गों की अता से। बलियाबी की जरूरत पूरी कर सकते हैं दिलकश राज, बलियाबी की जरूरत पूरी कर सकते हैं मुफ्ती अली रजा मिसबाही, बलियाबी की लालच पूरी नहीं कर सकते, और माफ करना जरूरत के लिए अगर तुम जिंदा रहोगे ना तो तुम्हारी जरूरतें कभी रुकेंगी नहीं, कभी नहीं रुकेंगी, और मायूस कभी मत होना कि तुम्हारी लोग मानते नहीं। अरे ये हजरत इंसान है जिस एक खुदा ने सब बनाया, इसको पैदा किया, जिंदगी दिया, गोश्त बनाया, हड्डी बनाया, भेजा दिया,
आंखें थी, उस एक खुदा को एक कहने के लिए जब आदमी तैयार नहीं है, अनेकों को झोला में लेके घूम रहा, ये वाला नहीं समझ में आएगा। गर्मी पड़े बढ़ जाए तो बोलता है कि उफ इतनी गर्मी पड़ गई, सर्दी ज्यादा हो जाए तो कहता है अरे इतना ठंडा पड़ा, बारिश ना हो तो बप बप चिल्लाए, होने लगे तो बप बप चिल्लाए। तो आदमी की जरूरत आदमी पूरी कर सकता है, आदमी की लालच कोई पूरी नहीं कर सकता। और लालची बनना ये कमाल नहीं, लेकिन हाँ है, इस्लाम में भी इसकी छूट है कि कहां लालच करनी चाहिए। किसी का तकवा अच्छा देखो तो लालच करो, ए अल्लाह इसी के तकवे की तरह मेरा तकवा। किसी का इल्म अच्छा देखो तो लालच करो कि ए अल्लाह इसी के इल्म की तरह मेरा भी इल्म हो जाए। और किसी की नेक और सालेह औलाद हो तो इसी तरह तमन्ना करो ए अल्लाह इसी नेक सालेह की तरह मेरी भी औलाद हो जाए। अगर ये लालच करोगे तो इबादत है। अब बकिया ये लालच की तीन तल्ला बन गया, पांच तल्ला हो जाए, मारुति आ गई है, फॉर्च्यूनर आ जाए, तो याद रखना सब धरे का धरा रह जाता है एक के अटैक में। और जिन जिन लोगों ने डबल डोज के बाद बूस्टअप लिया है तो बूस्टर ने क्या सिस्टरों के साथ रिश्ता कायम करा दिया, हर तीन महीने के बाद चेक कराना पड़ रहा। इसलिए मेरे अजीज आप जहां भी रहो, जिस जगह रहो, आपके पड़ोस में किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, इंसान से मोहब्बत करो। हमारे नबी की सुन्नत है, हम नफरत को नफरत से नहीं मिटाते हैं, हम नफरत को मुस्तफा की सुन्नतों से दफन कर दिया करते हैं। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम।